नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ के लिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। आइए देखते हैं। वन हु लव्स बुक्स, वो जो किताबों से बहुत प्यार करता है, पसंद करता है, कहलाता है पुस्तक प्रेमी। हिंदी में इंग्लिश कहेंगे बाइबल। नंबर टू, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में बड़ा यकीन रखता है, हिंदी में कहेगा आस्तिक और इंग्लिश है थीस्ट। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, इसकी पत्नी मर जाए, ऐसा आदमी क्या कहलाएगा? विडोवर, यानी कि विधुर। वन हु गोज ऑन फूट, वह व्यक्ति जो पैदल चलता है कहलाएगा पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री या फिर पदयात्री। नेक्स्ट है नंबर फाइव, अ गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, जहां पर फल पैदा होते हैं वो कहलाता है ऑर्चर्ड, यानी कि बाग। फूलों का होता है बगीचा और फलों का होता है बाग। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स, वह व्यक्ति जो अपना कर्जा ना चुका पाए और हो चुका है बैंकरप्ट, यानी कि दिवालिया। अगला है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके पार ना देखा जा सके, यानी कि अपारदर्शी, वो कहलाता है ओपेक। वन हु टोटली एब्स्टेन्स फ्रॉम लिकर, वह आदमी जो शराब से पूरी तरह से परहेज करता है वो कहलाता है टीटो टेलर, यानी कि शराब का परहेजी। फिट टू बी चोजन, चुनने में उपयुक्त, यानी कि सुटेबल। लास्ट है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाई अ पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला भाषण कहलाता है मेडन स्पीच, यानी कि प्रथम। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका मोस्ट लविंग चैनल संजीव गोस्वामी। नमस्कार।